Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की फिल्म लायन के बारे में, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। ये कहानी है सरू नाम के एक लड़के की, जो अपने परिवार से बचपन में अलग हो गया और 25 सालों बाद उन्हें ढूंढने निकल पड़ा। फिल्म की शुरुआत होती है 1986 में, जहां भारत के खांडवा हिस्से में सरू नाम का लड़का अपने बड़े भाई गुड्डू, अपनी छोटी बहन शकीला और अपनी माँ के साथ रहता है। गुड्डू के साथ मिलकर सरू ट्रेन से कोयले चुराता है और किसी तरह वो दोनों बचकर निकलते हैं और कोयले बेचकर वो दूध और खाना खरीदते हैं। पर गरीबी की वजह से वो अपने मन का खाना नहीं खरीद सकते और गुड्डू वादा करता है कि वो सरू के लिए एक दिन बहुत सारी जलेबी खरीदेगा। गुड्डू और उसकी माँ दोनों मजदूरी करते हैं और एक दिन सरू जिद करने लगा कि वो भी गुड्डू के साथ मजदूरी करना चाहता है, और ना चाहते हुए भी गुड्डू को उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है और उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। ट्रेन में सफर करते हुए सरू को नींद आ जाती है और उसे स्टेशन पर छोड़कर गुड्डू को अकेले काम पर जाना पड़ता है। पर कुछ घंटों बाद जब सरू की आंखें खुली तो गुड्डू के वहां ना होने की वजह से सरू को डर लगने लगा और उसे ढूंढते हुए वो ट्रेन में चला गया और ट्रेन में भी उसकी आंख लग गई। अगली सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि वो ट्रेन में अकेला है और वो ट्रेन उसके घर से दूर जा रही है। कई दिनों तक अकेले सफर करने के बाद और वहां पड़ी झूठी चीजें खाने के बाद सरू अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता पहुंचा, जहां की भाषा उसे समझ नहीं आई। ना तो उसके पास कोई पैसे थे और ना ही किसी को उसके गांव गणेश तलाई के बारे में पता था। उस रात स्टेशन के पास सबवे में सरू ने कुछ बच्चों को देखा और उनके पास जाकर सो गया, पर उसे नींद से उठाकर भगा दिया गया क्योंकि कुछ आदमी उन बच्चों को अगवा करने आए थे। किसी तरह वहां से बचकर सरू निकल गया और कई दिनों तक शहर भर घूमने के बाद उसे नूर नाम की एक औरत मिली, जो सरू से कहने लगी कि वो उसे खाना देगी और सरू को अपने साथ अपने घर ले गई। अपने घर ले जाने के बाद नूर सरू से बातें करने लगती है और उसे खाना देकर वो उसे नहलाती है। इस सबके बाद वो उससे कहती है कि राम नाम का एक आदमी उससे मिलने यहाँ आने वाला है और वो सरू की उसकी माँ को ढूंढने में मदद करेगा। और अगली सुबह राम वहां आता है। राम सरू से बहुत प्यार से बात करने लगा और कहने लगा कि वो उसे एक अच्छी जगह ले जाएगा, पर फिर सरू को लगने लगा कि राम और नूर के इरादे सही नहीं है और मौका देखकर वो वहां से भाग निकला। दो महीनों तक सरू हावड़ा ब्रिज के पास छिपकर बैठा रहा और उसने कई अलग अलग लोग और चीजें देखी और एक दिन एक लड़के की नजर उस पर पड़ी। उस लड़के ने उसे खाना दिया और उसे पुलिस के पास ले गया, पर उनके पूछने पर भी सरू ये नहीं बता पाया कि गणेश तलाई कहाँ है। और उसकी माँ का नाम पूछने पर सरू ने कहा अम्मी, और इसके बाद सरू को अनाथ आश्रम भेज दिया गया, जहाँ बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। एक दिन सरू से मिलने मिसेस सूद आई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने सरू के बारे में पेपर में एड दिया था पर किसी का जवाब नहीं आया, और इसीलिए सरू के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार ढूंढा गया है जो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। और ये जानकर कि उन्होंने सरू की अम्मी को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली, सरू उम्मीद छोड़ देता है। सरू को इंग्लिश और कुछ चीजें सिखाने के बाद मिसेस सूद उसे ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट में भेजती है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने सरू अपने नए माता पिता स्यू और जॉन से मिलता है। धीरे धीरे सरू उस घर में और अपनी नई जिंदगी में अच्छी तरह घुलने लगता है और एक साल बाद अपने नए माता पिता के साथ वो अपने नए भाई मंतोष से मिलता है, जिसे गुस्से की और खुद को चोट पहुंचाने की आदत है। मुश्किल से उसे संभालते हुए जब वो जॉन और स्यू को देखता है तो उसे उनकी फिक्र होने लगती है। 20 सालों बाद सरू अपने माता पिता से दूर दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाने वाला है और वो दोनों उससे कहते हैं कि उसकी वजह से वो हमेशा खुश रहे हैं। दूसरी ओर मंतोष एक बिगड़ा हुआ आदमी बन चुका है, जिसे समझा समझा कर सरू थक चुका है, पर वो अब भी स्यू और जॉन को खुश नहीं रखता। कॉलेज में सरू की मुलाकात होती है लूसी से और उन दोनों को कुछ दिनों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है।
एक दिन अपने दोस्तों के घर पार्टी में सरू को जलेबी मिली, वो चीज जो उसे बचपन से पसंद थी, और फिर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। तब उसका पूरा बचपन जानने के बाद उसके दोस्त उसे गूगल पर अपना गांव ढूंढने के लिए कहते हैं। पर अपनी खोज में सरू इतना खो गया कि वो लूसी से दूर होने लगा और ये सोचने लगा कि उसके गुम होने से उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। लूसी के साथ सरू अपने माता पिता से मिलने जाता है, जहां मंतोष को देखकर उसे गुस्सा आता है और मंतोष अपना आपा खो देता है। कुछ दिनों बाद अपनी असली माँ और भाई की सोच में वो इतना परेशान हो गया कि उसने उनके पास जाने का फैसला किया और लूसी से अलग होने की बात करने लगा। हर वक्त हर जगह सरू को अपनी माँ और गुड्डू के चेहरे दिखने लगे और धीरे धीरे उसे अपना गांव याद आने लगा। वो ऑस्ट्रेलिया से दूर होने लगा और अपने गांव के करीब आने लगा और कई महीनों तक ढूंढने के बाद सरू से मिलने जॉन आया, जिसे पता चला कि सरू ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो अब किसी से मिलना नहीं चाहता। एक दिन सरू की हालत देख लूसी उससे मिलने गई और उसे बेहतर महसूस कराने लगी और उसने सरू को बताया कि सियू की तबीयत बहुत खराब है और उसे सरू की जरूरत है। एक अच्छा बेटा ना होने के लिए सरू सियू से माफी मांगता है और ये कहता है कि वो जानता है सियू कभी माँ नहीं बन सकती थी और वो शुक्रगुजार है कि उसने सरू को अपने घर आने दिया। सियू कहती है कि वो माँ बन सकती थी, पर उसने और जॉन ने फैसला किया था कि वो सरू और मंतोष को अपने घर लाएंगे। वो उन दोनों को अच्छी जिंदगी जीने का मौका देना चाहते थे और इसीलिए खुद के बच्चे नहीं करना चाहते थे। सियू परेशान थी क्योंकि सरू उससे दूर हो गया था और चाहती थी सरू उससे अपने दिल की बात कहे। इस बात से सरू को मंतोष की तकलीफ भी समझ आने लगी और लूसी को फिर से अपनाने के बाद सरू ने अपनी असली माँ को ढूंढने की उम्मीद खो दी। पर फिर एक दिन उसकी नजर मैप में उन पहाड़ियों पर आई जहां वो अपनी अम्मी के साथ जाया करता था और आखिरकार उसे अपना गांव गणेश थलाई मिल ही गया, जहां की नदी और गलियां उसे याद आ गई। ये बात लूसी और अपने माता पिता को बताने के बाद सरू इंडिया गया और कई दिनों बाद खांडवा पहुंचा। और फिर उसे अपना वो घर मिल गया जिसकी तलाश में वो यहाँ आया। वहाँ मौजूद एक आदमी सरू की बात समझ गया और उसे वहाँ से कुछ दूर किसी गली में ले गया, जहाँ सरू को उसकी अम्मी मिली जो उसे देखते ही उसे पहचान गई। गांव वाले भी अब सरू को पहचान गए थे, पर फिर सरू को पता चला कि उसके भाई गुड्डू की उसी रात ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिस रात वो सरू को स्टेशन पर छोड़ गया था। सरू की माँ शकीला के साथ उसी गांव में रही और उन्होंने सरू के वापस आने की उम्मीद कभी खत्म नहीं होने दी। और अंत में सियू और जॉन को अपनी माँ के बारे में बताकर सरू ने कहा कि वो दोनों अब भी उसके माँ बाप है और इससे उनके बीच कुछ नहीं बदलेगा। सरू को पता चला कि उसका असली नाम शेरू है, जिसे वो खुद गलती से सरू कह रहा था, और शेरू यानी कि लायन कभी अपने बड़े भाई गुड्डू को नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।